हेलो दोस्तों, उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती आ चुकी है, ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं कल से। और आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, भाई इस बार स्क्रीनिंग परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्या पीजी अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। और जिनका यहाँ पर प्रोविजनली नहीं निकला है, क्या वो भी अप्लाई कर पाएंगे, क्या उसके लिए प्रोविजनल चाहिए होगा या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके रिगार्डिंग भी आपको कई सवाल किए थे। आपको बता दूं कि यहाँ पर 613 पदों की भर्ती आ चुकी है, और इसमें जो है कल पूरा नोटिस आपको मिल जाएगा। जो आरटीआई में जितने पद दिखाए गए थे मैंने, लगभग लगभग वही होने हैं, सिर्फ 10 पद कम आपके हैं। और ये मैंने आपको आरटीआई दिखाया होता आपको पहले, ठीक है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। और स्क्रीनिंग परीक्षा अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन में कल आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई स्क्रीनिंग परीक्षा तभी होगी जब आपके कैंडिडेटों की संख्या ज्यादा होगी, और उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी है, कैंडिडेटों की संख्या ज्यादा होनी है, तो 100% जो है आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होगी ही होगी। आप स्क्रीनिंग की तैयारी करें। काफी लोग जो है कह रहे थे, मतलब मांग तो कर रहे थे बीच में कि भाई स्क्रीनिंग परीक्षा ना करने को लेकर। ऐसा नहीं हो सकता भाई, स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा ही सबसे पहले आपकी मेन है। ये पास करोगे तो ही जो है आपको यहाँ पर मेन्स एग्जाम देने को मिलेगा, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चे तो मतलब ज्यादा मोस्टली बच्चे जो है इसी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, बात रही आपकी पीजी में, पीजी क्या आपने कर रखा है तो अपेयरिंग है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि बीएड वाले हैं, क्योंकि बीएड तो चाहिए होता है टीचर बनने के लिए, बीएड कंपलसरी है। तो किसी किसी का पीजी रुका हुआ है कि अपेयरिंग वाले हैं, अभी रिजल्ट नहीं निकला है, तो आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो आपको बता दो कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर अप्लाई कर भी लिया, आप डॉक्यूमेंट भी रिसीव बाहर हो जाओगे अपेयरिंग वाले, ठीक है, ये अपेयरिंग वालों के लिए है। हाँ, अगर 7 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए अपेयरिंग वालों का, तो 7 से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो उसके जब आपका रिजल्ट आए उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, उससे पहले मत करना फॉर्म, नहीं तो आप एलिजिबिलिटी नहीं रहोगे अपेयरिंग वालों के लिए। वैसे फॉर्म है नहीं, कम्प्लीटली पीजी चाहिए आपके पास और यहाँ पर बीएड चाहिए, तो ही अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप ये फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। रही बात आपकी प्रोविजनल डिग्री या उसकी डिग्री को लेकर, अगर आपके पास मार्कशीट भी है कोई नेट से निकाला हुआ तो भी आपका चल जाएगा, जरूरी नहीं कि प्रोविजनल चाहिए होगा। अब जब डीबी होता है उस टाइम पर प्रोविजनल दिखाना पड़ता है कि ओरिजिनल दिखाना पड़ता है, उस टाइम पर जब आपका डीबी होता है, मेन पीजी निकल जाएगा तो आप क्या उसके बाद चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ही आपको चाहिए होता है, तब तक के लिए आपका निकल जाएगा। अगर पास हो, आपने पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, आपके पास प्रोविजनल नहीं है तो भी चल जाएगा एक्चुअल में, लेकिन फाइनल जब डीबी के टाइम है वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल लो, अभी टाइम है। और नहीं तो इस बार चेंजेस हो सकता थोड़ा सा फॉर्म का फॉर्मेट में, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म फिल करने पर तो भेजना पड़ता था प्रोविजनल डाल के, तो ये मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा शायद से, ठीक है, शायद से, क्योंकि अगर होगा तो आपको प्रोविजनल फिर डालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। कल पता चल जाएगा आपको पूरी जानकारी।